हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो सफ़ेद बालों में तुरंत से कलर देती है, तुरंत से रंग देती है, नेचुरल तरीके से बालों को काला करती है, घना करती है, मजबूत बनाती है। आपसे शेयर कर रही हूँ, चाहे आप समर में लगाइए, उसे विंटर में लगाइए, किसी तरीके से भी लगा सकते हैं आप, जैसे आपको लगता हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, खाली बॉयल चाहिए सबसे पहले, और देखिएगा ना ही ये डाई है, ना मेहंदी है, ना इंडिको है, एक ऐसी खास रेमेडी जो आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर देती है। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे क्या चीज है, तो मैं आपको वीडियो में बीच में बताऊंगी किस चीज का पानी है, क्या चीज है जो आपके सफेद बालों को इंस्टेंट काला कर देगा। और काफी लोगों ने इसे यूज भी किया है, पहले भी मैंने एक रेमेडी इससे शेयर की थी जो सफेद बालों को इंस्टेंट काला करता है। देखिएगा, ये आप इस तरीके का सीरम टाइप का बनाकर रख लीजिए, इसमें ऑयलिंग वगैरह आपको नहीं डाली। बीच में बताऊंगी किस चीज का पानी है, बस दो इंग्रीडियंट से बनी है ये चीज, और ये आपके सफेद बालों को जड़ से 100% काला कर देगी, प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर भी दूर करेगी, सफेद बालों को जड़ से काला कर देती है चीज। अब देखिएगा, मैंने लिया है इतना अपने अकॉर्डिंग, आप चाहे आप ज्यादा भी ले सकते हैं, और इसे सेव करके आप फ्रीज में भी रख सकते हैं। आप हो जाए 10 से 12 15 दिन ही आराम से चल जाएगी फ्रीज में, या नॉर्मल आप रख सकते हैं इसे, रूम टेम्परेचर पर आप इसे रख दीजिए। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे सफेद बालों में एज अ मास्क की तरह लगाएंगे हम, या एज अ ऑयल की तरह, दोनों तरीके से मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालेंगे वो है, देखिएगा फ्रेंड्स, वो है ये, और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये है जटामासी, और जटामासी जो है सफेद बालों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देता है फ्रेंड्स, और आपके बाल भी इससे काला होना स्टार्ट हो जाएंगे। जटामासी का यूज करना जरूर से शुरू कर दीजिए, आप इसकी जगह भृंगराज भी ले सकते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इतना जटामासी लिया है, अच्छा सा इसे पेस्ट बनाकर मैं रेडी कर लूंगी। इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ये देखिएगा थोड़ा भी, ये देखिएगा 2 से 3 मिनट में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप चाहे तो यही चीज ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा और लूंगी क्योंकि मैंने ये ज्यादा लिया है जटामासी, इस तरीके से इतना मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूंगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरीके से मिक्स कर दिया, अब ये अच्छे से आप देख रहे हैं ये मिक्स हो चुका है। अब देखिएगा, आपको दो तरीके से लगाना बता रही हूँ, चाहे ऑयल बनाएंगे इसका, चाहे आप हेयर मास्क की तरह लगाइए, जिस तरीके से पसंद हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल दिखा रही हूँ आपको, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल लीजिए, कोई सा भी ऑयल आप 1 चम्मच इसमें डालिए और अपने बालों की जड़ों में लगाइए कॉटन की हेल्प से, और इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। एज अ ऑयलिंग आप इसकी करेंगे तो आपके सफेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे 101%। ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, सफेद बालों को जड़ से काला बनाने का काम करती है फ्रेंड्स। और बहुत जिनके भी बाल बहुत ज्यादा सफेद है, रंग नहीं आ रहा, तो एक बार इस पैक को जरूर से लगा लें। अब देखिएगा फ्रेंड्स, सेकंड तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको जो है हीना पैक बना सकते हैं, और आप इसका हेयर मास्क भी बना सकते हैं। और हेयर मास्क में आपको अगर मिक्स करना, हीना पैक नहीं बनाना चाहते, तो हेयर मास्क की तरह आप जो है नाइट टाइम में लगाइए, ध्यान रखिएगा नाइट टाइम में लगाना है। एक कॉफी का पाउच लीजिए, पूरा 10 वाला ले लीजिए, आप आपके बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं तो आप 2 पाउच कॉफी के इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉफी जो है इंस्टेंट कलर देती है, बालों में कलर जो देती है वो लॉक आपका वहीं की वहीं हो जाएगा। और इस पैक को आप सेव कर सकते हैं 7 डेज तक, आप इसमें 2 कॉफी के पाउच डाल दीजिए, और अपने जड़ों में आपको कॉटन की हेल्प से इस तरीके से लेके कॉटन की हेल्प से जड़ों से जहां जहां सफेद बाल है वहां लगा के छोड़ दीजिए। आपको 2 से 3 दिन में फर्क नजर आएगा, आपके जो सफेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे नेचुरल तरीके से। और फिर ध्यान रखिएगा, दो से आप जब वीक में इसे 4 से 6 बार करते हैं, इसे रात में अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब आप माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करना है, सिर्फ माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करना है। अगर आपने आज लगाया, कल लगाया, और ये परसों लगाया, 3 दिन लगातार लगाया, तो अगले दिन आपको जो है माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करना है, जो भी रंग आता है बालों में बरकरार हो जाए, बालों में वहीं की वहीं टिका रहे, इसलिए आपको माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, काफी लोग कहेंगे माइल्ड शैम्पू कौन सा होता है, तो आंवला रीठा शिकाकाई का शैम्पू ले लीजिए, या फिर शैम्पू की क्वांटिटी कम कर दीजिए, या जेल उसमें एलोवेरा मिक्स करके आप उसका शैम्पू कर लीजिए, बहुत अच्छे आपके बाल हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब ये मैं आपको बता देती हूँ ये है क्या चीज, अब मैं आपको बताती हूँ ये किस चीज का बना हुआ है, ये क्या चीज है जो हमारे सफेद बालों को जड़ से ये चीज काला कर देगी, ना ये काला करता है फ्रेंड्स। देखिएगा ये फ्रेंड्स, ये अनार जो होते हैं, अनार के छिलकों से बनी है ये रेमेडी, आपको बता देती हूँ, आप अनार का पाउडर भी ले सकते हैं। ये देखिएगा, अनार जो है हमारे सफेद बालों को जड़ से काला कर देते हैं। एक आयरन की आपको रात को कढ़ाई लेनी है, उसमें अनार के कुछ छिलके आपको डाल देने हैं, डालने के बाद थोड़ा सा ड्राई आंवला आपको लेना है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैं तो अपने लिए सीरम बनाकर रख ही लेती हूँ, तो देखिएगा कुछ ड्राई आंवला आपको उसमें डालने हैं, थोड़े से एक अनार का आप ले लीजिए छिलका, और थोड़े से इस तरीके से ड्राई आंवला, 1 ग्लास पानी
उसको आधा रहने तक गर्म करना है, बॉईल करना है। उस आयरन की कढ़ाई में दो दिन तक आपको जो है ये आपको पड़े रहने देना है, यानी कि आपको छिलके भी पड़े रहने देना है और आंवला भी ढककर रख दीजिए। दो दिन के बाद ये सीरम जो है रेडी हो जाएगा इस तरीके का, और उसे स्ट्रेन आउट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये आपके बालों को काला कर देगा 101%, आपके बालों में जो कलर आएगा वो ब्लैक ही आएगा, और बहुत अच्छे से ये रेमेडी वर्क करती है। तो आपने समझ लिया फ्रेंड्स, देखिएगा किस तरीके से हमने इस सीरम को रेडी किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।